आ रही है। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, कैमरे में बोल रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। कुछ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार बोल रही है कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है, पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं, यहाँ पर वो जानते हैं लोग हमारे भारत के, सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और अशोक तंवर ने तो ज्वाइन कर लिया है जी कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि अब भाजपा जो है वो एंटी दलित हो गई है।